हेलो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव करेक्टर कल कंप्लीट हो गया। आज हम इस फैमिली से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट जो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सोलनेसी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सोलनेसी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्रॉप प्लांट या फूड प्लांट, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं और यही फेमस पॉपुलर प्लांट्स हैं जिनकी वजह से सोलनेसी फैमिली फेमस है। तो इसमें फर्स्ट प्लांट है जो विच इज कॉल्ड सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो फैमिली, यही इस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मामले में आप सब जान सकते हो पोटैटो या आलू और इसका यूज कैसे होता है, यूज एज ए वेजिटेबल सब्जी के रूप में इसका यूज होता है। आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। फूड में यूज होता है, आलू हर चीज में यूज होता है, आप सब जानते हो समोसे से लगा करके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वेजिटेबल्स में पोटेटो यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये इम्पोर्टेंट जीनस ऑफ दिस फैमिली इज सोलेनम ट्यूबरोसम पोटेटो। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट जीनस की बात करते हैं विच इज कॉल्ड लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर, टमाटो टमाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आलू, पर आलू की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है एज ए फूड, ये यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटो, इसमें फ्रूट यूज होता है, राइपन पके हुए फ्रूट का यूज होता है, कुछ कच्चे फ्रूट का भी यूज होता है, ग्रीन फ्रूट का भी यूज होता है एंड रेड फ्रूट का भी यूज होता है। यूज एज डिलीशियस वेजिटेबल एंड ईटन इन रॉ मीन्स सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जाता है और डिलीशियस वेजिटेबल सब्जी के स्वाद के लिए, सब्जी को डिलीशियस बनाने के लिए यूज होता है। देन थर्ड जो इम्पोर्टेंट इसका जीनस है और इकोनॉमिक और फूड फोडर वैल्यू रखता है, फूड वैल्यू रखता है सॉरी, विच इज सोलेनम मेलनजिना, सोलेनम मेलनजिना मीन्स बैंगन, बैंगन टेंडर फ्रूट है, कुक्ड एंड ईटन एज ए वेजिटेबल सब्जी की तरह यूज होता है, आयरन रिच वेजिटेबल इसको माना जाता है। देन थर्ड कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम बेल पेपर एंड चिली पेपर इसको कहा जाता है, ये भी फ्रूट होता है ना, यूज एज ए वेजिटेबल एंड पाउडर चिली इज डेराइव्ड पल्वर जाय फ्रूट विच इज यूज एज ए स्पीसीज टू एड पंजेंसी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लेवर इन डिशेज, है ना, इसको स्पाइसीज एंड कॉन्डिमेंट्स की फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। ओके, देन फाइसेलिस पेरुवियाना ये फ्रूट होता है, यूज एज डिलीशियस फ्रूट के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। देन फूड की वैल्यू होने के बाद सेकेंड जो इसकी इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो है मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म में इसकी वैल्यू, मेडिसिनल प्लांट भी वेरी मच इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखते हैं, जस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट में है एट्रोपा बेलाडाना, डेडली नाइट शेड इसको बोलते हैं, एट्रोपिन इसकी रूट से एब्सट्रैक्ट निकाल करके एट्रोपिन नामक एब्सट्रैक्ट निकलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, तो पावरफुल एल्कलॉइड होता है ये एट्रोपिन जो रूट से इससे प्राप्त किया जाता है ना, इससे टिंचर बनाया जाता है, आई ऑइंटमेंट बनाया जाता है, आई
आई ड्रॉप बनाई जाती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन में भी यूजफुल होता है, आई के पेन में भी यूजफुल हो जाता है, आई टेस्टिंग के लिए, आई को एनलार्ज करने के लिए भी एट्रोपिन यूज की जाती है। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लांट है विच इज दतुरा स्ट्रोमोनियम, दतुरा पादप होता है, इसकी लीव्स और रूट यूज होती है, इसकी लीव्स स्ट्रोमोनियम ड्रग इससे प्राप्त की जाती है, जैसे जिस एट्रोपिन है, एट्रोपा है तो एट्रोपिन प्राप्त की जाती है, इसी तरह से स्ट्रोमोनियम है तो स्ट्रोमोनियम ड्रग प्राप्त की जाती है, इनको इतनी मेडिसिन मेडिसिन बोलते हैं, जो डायरेक्ट उस प्लांट के नाम से ही मेडिसिन डेराइव होती है, मेडिसिन का नाम भी वही नाम रहता है जो उस प्लांट का नाम रहता है। इसकी लीव और रूट को यूज किया जाता है अस्थमा और वूपिंग कफ के लिए, इसको यूज किया जाता है। देन सोलेनम ट्राइलो बेटम लीव फ्लावर यूज किया जाता है थ्रोट और कफ के लिए। देन विजानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा यूज क्योरिंग कफ एंड रिमेटिज। ओके, देन टोबेको निकोटियाना टोबेकम लीव्स, तंबाकू सब जानते हो आप लोग, फ्यूमिगेटरी एंड मैस्टिगेटरी इसका यूज होता है, लीव्स आर ड्राइड एंड मेड इनटू टोबेको, पत्तियों को सुखा करके तंबाकू बनाया जाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी, इसको फ्यूमिगेटरी एंड मैस्टिगेटरी भी यूज किया जाता है, सिगरेट बीड़ी हक्का इसमें फ्यूमिगेटरी फॉर्म में यूज किया जाता है, चेविंग ऑफ एंड स्नफिंग ऑफ एल्कलॉइड लाइक निकोटीन, इसमें वो निकोटीन एल्कलॉइड होता है जिसको चबाया और उसमें जाता है और उससे उसमें टोबैको प्रेजेंट रहता है। देन फोर्थ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोलनेसी फैमिली ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट में जो सबसे बेस्ट या सबसे मोस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखता है विच इज कॉल्ड पिटूनिया, पिटूनिया गार्डन प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्लावरिंग इसके फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखता है। इस सेक्सटर्नम नॉक्टर्नम रात की रानी आप सब जानते हो, नाइट जैस्मिन, इसी तरह से सेक्सटर्नम डाइवेलम दिन का राजा, और निकोटियाना एलाटा, पिट्यूनिया हाइब्रिडा, साइजेंथिस पेनिलेटा, ब्रूनासिया स्पीसीज एंड एंगल ट्रम्प, ये सब इसमें, क्राउन ऑफ गार्डन, क्राउन गार्डन का ताज कहा जाता है इसको, पिट्यूनिया को, है ना। इसी तरह से और हम बात करते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजिलानम, कैप्सिकम एनम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम आर यूज एज वेजिटेबल इन समराइज फॉर्म, निकोटियाना टोबेकम लीव्स एंड स्टेम्स आर यूज टू प्रिपेयर सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट, एट्रोपा बेलोडेन ड्राइड लीव एंड स्टेम रूट आर यूज बेलोडेन एट्रोपिन टू रिलीव इन पेन कफ एंड एक्सेसिव परसेप्शंस, एट्रोपिन इज यूज फॉर आई ड्रॉप, ड्राइड लीव एंड रूट्स ऑफ डेटुरा मित्तल एंड स्ट्रोमोनियम आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, विदानिया सोमनीफेरा कैन कोगुलेट मिल्क फॉर मेकिंग चीज, पिट्यूनिया हाइब्रिडा सेस्टर्नम नॉक्टर्नम सोलेनम विलोजम्स आर मोस्ट वैल्यूबल ऑर्नामेंटल प्लांट, दस दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सोलनेसी। नाउ द फैमिली इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लावर की टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि ज़्यादातर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि फैमिली पढ़ने में टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन समझ में आने में दिक्कत हो रही है, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसको वापस रिपीट करें, तो नेक्स्ट क्लास में उसी फ्लावर और उसी टर्मिनोलॉजी, फ्लावर की कंप्लीट टर्मिनोलॉजी जो टैक्सोनॉमिकल या अर्ध वनस्पति भाषा में सेमी टैक्सोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, उस पर अगला लेसन होगा, उसका वीडियो में डालूंगा, फिर वापस फैमिली पे आएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।